शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Anybody is there? राज, आ जाओ, आ जाओ। नमस्कार, 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 नमस्कार का बच्चा। अभी आया है पंखा ठीक करने के लिए। समझता नहीं है पंखा चलता नहीं है, कोई तरीका नहीं है क्या? चल पंखा ठीक कर। पंखा? और नहीं तो क्या? सुबह से तुझे फोन लगा लगा के मेरी उंगलियों की बैंड बज गई, कोई तरीका नहीं है क्या? चल पंखा ठीक कर। मगर मैं तो मगर गया पानी में, तू पंखा ठीक कर। कल रात से खुटूर 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 करता, चल पंखा। मेरी बात तो सुन। अरे तेरी बात ये, चल मैं तू पंखा ठीक कर। चलो एक तो मैकेनिक होके सूट बूट पहन के आ गया। मैकेनिक? मैं मैकेनिक? और नहीं तो क्या, माना जा दिखता है कि तू। ए जैसी बात नहीं करने का, तू पंखा बनाता है कि नहीं? अबे बना ला पंखा, मेरी जानी का पंखा है, कभी से बन बना है मालूम, चल बना पंखा। लेकिन मैं, तू पंखा बनाता है कि नहीं? नहीं बनाऊंगा मैं पंखा। तू पंखा बनाता है कि नहीं? नहीं बनाऊंगा। तो ठहर, मैं अपने बेटे सोमू को बुलाती हूँ। सोमू किधर है? मुर्गा किधर है? हाँ किधर है मुर्गा? माँ इधर। ये ये क्या चीज है भाई? ये कोई चीज या चॉकलेट नहीं है, ये मेरा बेटा है सोमू। मालूम है दिन भर दारू पी के होता रहता है, अगर इसने अपने कपते हुए हाथों से गोली चला ली ना तो तेरे को किधर लगेगी मालूम नहीं पड़ेगा। चल पंखा जी कस गया यार। सोमू किधर है मुर्गा? किधर है? इधर इधर। ए पंखा बना, नहीं तो सोमू उड़ा दे इसको। कहां से बना, औजार नहीं है मेरे पास। कहता आदमी है, औजार भी साथ में लेके नहीं घूमता है। खैर मैं तेरे को अपना औजार देता हूँ, नहीं तो एक काम कर, तू नीचे से उठा। ले ले ले, उठाता हूँ, बनाता हूँ। ले ले ले, पार्वती। बेटी निर्मा, ठंडा लेके आ। ठंडा किसको दूँ? एक्सक्यूज मी, ठंडा। आज पंखा तेरा ठीक होगा, देख। चलो जी चलते हैं, जब फैन बन जाएगा तो लौट कर आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? फैन इज नॉट वर्किंग। नो क्या कर रही हो तुम, स्टॉप इट। लुक एट मी। नो आई एम ओनली 36। क्या? एज नहीं, साइज बता रही हूँ। 36 36 36। नहीं 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 नहीं, बी सी डी। मम्मी ओहो क्या हुआ, ये भी भाग गया। घबरा मत, तेरा भाई डिटेक्टिव है ना राज, कहीं ना कहीं टकरा ही जाएगा। डिंग 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 डिंग, यू मिस द शॉट। डिंग 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 डिंग, अगेन यू मिस द शॉट। आज तो मारो ना लगता होगा यार। एक्सक्यूज मी, इज एनीवन हियर? दिस पैसेंजर इज इरिटेटिंग मी। ओए और तुसी फिकर ना करो बहन जी, मैं हूं ना, आप इधर आके मेरी सीट पे बैठो, मैं वहां आ जाता हूं। ओए पापा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए आपकी सीट पे, मैं आ जाता हूं। आपको इतनी मस्ती है तो आप इधर आके बैठ जाइए इनके बगल में। बाय स्वीट हार्ट। हां जी हां जी, हुण मैं देखना है तो अनु कौन टच करदा है। गल कर दी है, बैंड बजा जा गोदी। गल कर दी है हुण ना। ते किथे दे हो? दिल्ली दे हो, जलंधर दे हो? लुधियाना। लुधियाना? लुधियाना दे हो? अब तुसी लुधियाना दे हो? और हुण ना तुहानू कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता, कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता, कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कौन टच करता है। हुण ना तेरे गाल को ना कोई ऐसे टच नहीं कर सकता, हाँ कोई तेरी पट पे ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। और ऐसे ना ऐसे तुम्हें किसी को करने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा मैं किसी को, कुछ नहीं करने दूंगा, देख लेना। थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। मैं सोचती हूँ अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। और यार सोच के मेरे रहते हुए तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मतलब? और मतलब ये है कि हम लोग पंजाब के लोग हैं ना,
हम लोग जब सी ऑफ करते हैं ना तो हमारी एक स्टाइल होती है, हमें ना बड़ी वार्म फीलिंग होती है, हम लोग ना बाय बाय बादशाह बोल के ऐसे गले लग जाते हैं, और बाय बाय बादशाह हो, और बाय सरदार जी, आप ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, अब पूरा पंजाब स्मार्ट है, इसमें क्या है, और मैं आगे आवा के तू आगे आनी है, और ठंडक पाले थोड़ी, हाय बादशाह, एक्सक्यूज मी सरदार जी, अरे थोड़ी बिहेव योरसेल्फ, और ठंडक पाले है विच की है यार, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, हां जी, ये आदमी तो पहले वाले आदमी से भी चालू निकला, प्लीज चेंज माय सीट, प्लीज कम विद मी, ऑल मेन आर लाइक दैट, हाउ डू यू नो, शट अप, और तुझको बुला रही है इडियट, कोई गल नहीं, ऑल मैन आर लाइक दैट, मैं अब यहां बैठी, थैंक यू, थैंक गॉड कोई बाजू में नहीं है, हाय हाय, ओह वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो चार्मिंग, तुम्हारा गाल एकदम कश्मीर के सेब की तरह है, तुम्हारे होंठ एकदम अनार के दाने की तरह है, और तुम्हारी गर्दन ओ वाओ एकदम इंडिया का वाटरफॉल लगता है, कैन आई टच यू लाइक दिस, कैन आई टच यू लाइक दिस, कैन आई टच यू लाइक दिस, एक्सक्यूज मी व्हाट आर यू डूइंग, डोंट वरी, हम भी फीमेल, तुम भी फीमेल, हम किधर भी जाएगा, डोंट स्टॉप, ओके, डिंग 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 डिंग, यू, ओह नो, हेलो, ओए राज, कभी से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 9 to 9:30, 9 to 10:45, 10 to 10:10, 10 to 5, 10 to 3, 10 to 2, 10 to 1, वो कपड़ा पहन के प्लीज कम ना यार, अच्छा सुनो तुमने कपड़े पहने हैं कि नहीं, आई मीन वो वाले कपड़े पहने कि नहीं जो मैंने तुमको दिए थे, हाँ मैंने वो ड्रेस पहन लिया, पहन लिया, कैसी लग रही है तुम उन कपड़ों में, देखोगे तो होश उड़ जाएंगे, ओह नो, मैं तो होश उड़ाने के लिए तैयार बैठा हूँ, जमीन पे गिरने के लिए तैयार हूँ, अब आगे आगे देखो तुम कहाँ कहाँ से गिरते हो, ये डायलॉग कुछ ठीक नहीं, क्या बोला तुमने, फिर से बोलो, मेरा मतलब है कि कमरा नंबर 2072, ओके 207, मगर तुम्हारा कमरा नंबर तो 2073 था ना यार, ऐसी मुलाकातों के लिए कमरे बदल दिए जाते हैं, ओह वाओ, रोमांस विद इंटेलिजेंस, I'm coming, baby. I'm coming, come. Come, baby, come. Your husband is coming. Raj, you're gone. Hello. Your wife is ready. And she's looking like Hawaiian beauty. Oh, I'm coming. Come, baby, come. Light. Oh. मगर ये तो अंधेरे में मिलना चाह रही है, मदमस्त जवानी, ऐ खूबसूरती की रानी, मलिकाए हुस्न, अजंता की मूरत, क्या कहूं कि तू है कितनी खूबसूरत, डार्लिंग, हाय डार्लिंग, दो चॉकलेट कह दिए, तुम्हारा तो टोटल साइज ही चेंज हो गया, चिकला मैं चला हो चले, होश चले मिशले, हाय चिकला मैं कला हो लो मैं ही, चिकला मगलो लो हो मैं ही, डार्लिंग तुम्हारी ये मजाक करने की आदत नहीं जाएगी, लाइट्स ऑफ, ऐ मेरी हुस्न, हुस्न हुस्न हुस्न, अरे हुस्न हुस्न, होश चले मिशले, होश चले मैं लाला वाला हुका जी, ठीक है बगला होगले बगला होगले बगला हो हा हो ही हा लाला वाला हुका जी, ठीक है मैं चला होश हो, ए हो हा ही हो, ए ए हु आर यू एंड हु इज शी, हां भाई मिस्टेक हां, हेलो
तरीका नहीं है क्या? हाँ, इंसानियत नाम की चीज नहीं रही है। अरे आदमी की कोई इज्जत नहीं है क्या? हा? ये क्या है साला, गलती नहीं होती है क्या आदमी से? बात करता है साला काला सांड, पता नहीं अफ्रीका के कौन से जंगल से आया है, और उसकी वो काली बीवी रंगोर काली मिर्ची, दोनों कालों ने मिलके एक गोली के चक्कर में कितना मारा है मुझको। एक्चुअली सारा सिस्टम ही खराब है साला, मारे का कोई सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। अरे यार, इधर मार रहा है उधर मारो, इधर नहीं मार रहा है उधर क्यों मार रहे हो साला? कोई सिस्टम होना चाहिए। अरे मेरा बस चला तो ऐसी धुलाई बैन करवा दूं। हाँ डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। डैडी, ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि लोहे की गाड़ी है, आता ना जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा, और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो इंजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से अगर कभी कंजूसी का कंपटीशन हुआ ना तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं? चल डैडी, खुद के बाल नोचे, मेरे बाल नोचेगी? हम का नहीं आम है बैठाई के बैगन वहावे चल जाए, हम का नहीं आम है बैठाई के बैगन वहावे चल जाए। तेरा बैल है अड़िया सड़िया, मुरा बैल है तेज, हमरे बैल पे हो के सवार हो भैया, चल बैगन के खेत हम का नहीं आम है बैठाई के। अबे कहां अंदर घुसा जा रहा है, हट जाओ सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर? अबे मैं तुझे नौकर लगता हूँ? तो खुद को साहूकार समझते हो क्या? अंदर मालकिन में दूध लाने के लिए कहाँ पहुँचाने जा रहे हैं? बार बार रोक रहे हो, रिश्वत में दूध चाहिए क्या? अगर हम दुकानदार जाएंगे देने तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा का? अरे तुम तो हमारे तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी? तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी, हम हंडिया के हैं। ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो माली ही सही। मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची? बहुत कमाल की चीज है। फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है, उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाने में उसके साथ प्यार अच्छा है। अरे, हाँ। अरे तुम उसके बाप के बराबर हो, तुम क्या करोगे? वो हमारा डिपार्टमेंट है, ये क्या भरतना टेम कर रहे हो? अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। नहीं, अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई। ये देखो, हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही, सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे। गांव खेड़े के आदमी हमारा इतना काम तो करी दो, उसकी चिट्ठी पहुंचा दो यार। पहुंचाए दे तो अब देखो हम किसको कहां पहुंचाते। डैडी, डैडी, ये तुमको डैडी डैडी कैसे बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहा है, तुम्हारी बिटिया है? तो पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। अरे बताना चाहिए ना घर में कौन बिटिया है, कौन भाई है, कौन नौकर है, ये भाई साहब कौन है? कौन है बे? उस इडियट की हिम्मत कैसे हुई गुस्से की? और ये क्या है? ये वो मैं क्या मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेटी तो खाम खा नाराज हो रही है, दरअसल मैंने भी है ना तेरी माँ को बिल्कुल ऐसे ही है। क्या? मगर मैं तो खाली हाथ गया था और ये उल्लू का पट्टा पूरा दूध भर के दे गया। ये क्या हुआ? मैं समझा था दुनिया में मैं ही 420 हूँ, ये लुच्चा तो 840 निकला। पहले तुम ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं एक बंजारन, जंगल में जा रही थी, सांप मारे पीछे पड़ गए, मारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे टेंट में घुस गई। अच्छा
मैं चलती हूँ। अरे ठहरो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ, बाहर तो बहुत बड़े बड़े सांप हैं, कहीं तेरे को डस लेंगे। तुम्हारी बात में एक पॉइंट है, लेकिन तुम्हारे मेरे पर इतना प्रेशर डाल रहे हो तो मैं इधर रुकने के लिए तैयार हूँ, पर मारे में भी एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? मेरे को रात को गरबा खेलकर सोने की आदत है, तुम्हें मेरे साथ गरबा खेलोगे? खेलेंगे। तुम्हें एक कुंवारे मारवाड़े छायो रे मारवाड़ा ते मारवाड़ी में लाव जो रे अब नहीं। एकदम नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकता अभी। अगर यहाँ ये एक कसाई है तो आपके इतने सारे भाई हैं, आपको हिसाब दिला कर रहेंगे और पुलिस को बुला कर रहेंगे। पुलिस? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एकदम शरीफ इंसान हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। अरे बेवकूफ खड़क सिंह, कुछ किए बगैर ही हवालात में आ गया। ए नरस, क्या है? तो मेरे को एक बात पूछू? क्या पूछना है? मेरे लोग मेरे को इधर काय को लेके आए? खामोश, इधर ज्यादा बात नहीं करने का। तुम्हारा बलात्कार हुआ है ना, अभी तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। चेकअप? तमेरे से दूसरी बात पूछूं? तमेरा हार्ट स्ट्रांग है ना? क्यों नहीं, धक्का लगने का चांस है। देखो जो भी कहना है मिसेस गायकवाड़ से कहना, वो अभी आती होंगी। मिसेस गायकवाड़ बेचारी सुकर से, धक्का तो उसको भी लगेगा ना बेचारी को। हल्का साला, मेला मर्द लोगन को बहुत सर्दी है, अगर बलात्कार करने की टाइम जरा शर्म नहीं आता ही लोगन को? चला कपड़े काटा। तो मेरे को मेरे पे दया आ रही है। ओ बाबा आती है। मेरे को पर तो मेरे लोग पे दया आ रही है। क्यों? तो मेरे लोग मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर से चेकअप कर डालो। बस अगर जब तक हम तुम्हारा चेकअप नहीं करेंगे तो हलकट मुच्छर खड़क सिंह को सजा कैसे दिलाएंगे? चला काड़ा काड़ा। मैं हाथ जोड़ के तुम मेरे से विनती करती हूँ, तुम लोग सब अच्छे घर की लड़की हो, मेरा चेकअप करके अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबा। शर्माती है। चला हाथ पाई डॉक्टर ने पकड़ा, नरस ने जकड़ा, जकड़ के मेरे को गिरा दिया, गिरा के मेरा चेकअप किया और खुद का साक्षात्कार। नाश किया और बाकी को जिंदा लाश किया, बाकी को जिंदा लाश किया। हे जीरे जीरे। योर ऑनर, अमर को फांसी के फंदे से बचाने के लिए ये मेरे काबिल दोस्त की एक चाल है, जिसके तहत इन्होंने इसे पागल करार देकर अदालत में खड़ा कर दिया है। योर ऑनर, मैं अमर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? हाँ तो अमर। हाँ तो वकील साहब। ये बताओ तुमने अपने चाचा का कत्ल क्यों किया? ऐसी बात करते हैं आप वकील साहब, चाचा और भतीजे का रिश्ता तो वैसा होता है जैसे अंडरवेयर एंड नाड़ा। द रिलेशनशिप ऑफ अंकल एंड नेफ्यू इज लाइक अ रिलेशनशिप ऑफ अंडरवेयर एंड नाड़ा। अंडरवेयर इज बिग, हेंस इट इज अंकल, नाड़ा इज स्मॉल, हेंस इट इज नेफ्यू। नो अंडरवेयर इन दिस वर्ल्ड कैन लिव विदाउट नाड़ा, एंड नो नाड़ा इन दिस वर्ल्ड कैन लिव विदाउट अंडरवेयर।
because they are inseparable, they love each other, they are incomplete without each other, that's why they have to live together. एक साथ धोबी घाट पर धुलने के लिए जाते हैं, एक साथ सूखते हैं और दोबारा मैले होकर धोबी घाट पर चले आते हैं, अंडरवेयर और नारा से दुनिया को एक ताका सबक लेना चाहिए। जज साहब, मैं वकील साहब से पूछता हूं, क्या आपने अंडरवेयर पहनी है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अंडरवेयर पहनी है कि नहीं? बिल्कुल पहनी है। अगर आपने पहनी है तो आप अपने घर में जाकर चेक कीजिए और अपने अंडरवेयर से पूछिए क्या वो नाड़े के बगैर रह सकती है? नहीं, वो छत से नीचे गिर जाएगी। और आप अपने नाड़े से पूछिए क्या वो अंडरवेयर के बगैर रह सकता है? अगर अंडरवेयर ही नहीं पहनी है तो नाड़ा पहनने का फायदा क्या है? मैं आपसे पूछता हूं वकील साहब, आप भूल रहे हैं कि आप भी किसी की अंडरवेयर है और आपका भी कोई नाड़ा है। जज साहब, आप इस नाड़े को देखिए, आपको लगता है कि यह नाड़ा अपने हाथ से अपनी अंडरवेयर का गला घोट देगा? ये लोग मुझ पर फजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जज साहब, मैं सच कहता हूं, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैंने किसी अंडरवेयर का कत्ल नहीं किया है। ये नाड़ा बेकसूर है जज साहब, ये नाड़ा बेकसूर है जज साहब। I object, Your Honor. आप एक घटिया किस्म की अंडरवेयर हैं। आप नाड़े के जज्बात को नहीं समझ सकते वकील साहब। I object, Your Honor. आप बकवास कर रहे हैं। नाड़े की बात करके अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मिनॉर्ड, ये अदालत की तौहीन नहीं है बल्कि एक मासूम इंसान की जिंदगी को तबाही से बचाने की कोशिश हो रही है। एक पागल इंसान के लिए कोर्ट की इज्जत क्या और कोर्ट की बेइज्जती क्या? मैं तो आपसे अर्ज करता हूं कि ऐसे मासूम इंसान को मुजरिम कैसे साबित किया? योर ऑनर, ये दोनों पार्टी पागल हो गई है। मेरे हिसाब से ये दोनों पार्टी को अंडरवेयर और नाड़ा पहनाकर पागल खाने भेज देना चाहिए।